श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना भारतना श्री शीला कुंवर शेखावत गोगामेडी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अलग अंदाजमां मीडियाने संबोधन कर्युं हतुं। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना भारतना माननीय श्री शीला कुंवर शेखावत गोगामेडी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अने श्री योगेंद्र सिंहजी कटार राष्ट्रीय सीनियर उपाध्यक्ष भारतनी अध्यक्षतामां आजे भुज खाते प्रेस कॉन्फरन्स योजी जिला समाहर्ताने आवेदनपत्र पाठवामां आव्युं हतुं। रूपालाना राजपूत क्षत्रिय समाजना बहन दीकरी क्षत्राणियों विरुद्धनी अभद्र भाषानो उपयोग करवामां आव्यो छे, जेनो एनी ज भाषामां जवाब आपवा माटे कच्छ जिला समाहर्ताने आवेदनपत्र पाठवी रजूआत करवामां आवी हती के जो पुरुषोत्तम रूपालानी टिकिट रद्द नहीं करवामां आवे तो आवनारो समय भाजप माटे मुश्किली समान बनी शके छे। આજે શ્રી રાજપૂત સમાજ રઘુવંશી ચોકડી ભુજ ખાતેથી રેલી સ્વરૂપે આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું, જેમાં બહોળી સંખ્યામાં રાજપૂત સમાજના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ચરણો મેં નમન કરતી હું મેં સુદેવસિંહજી ગોગામેડી કે ચરણો મેં સમ્માનિત મંચ પધારે હુએ સભી મેરે ભાઈ પિતા તુલ્ય બુજુર્ગ જય માતાજી કી હમાગણી જય શ્રી રામ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल सुबह 3 बजे हम गुजरात में आ चुके थे, लेकिन भाइयों आप लोगों का डर देखिए, यह आप लोगों का डर था कि पहले ही हमें कैच कर लिया, क्योंकि उनको पता था अगर ये राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के सैनिक गुजरात में राजकोट में आकर के बैठ गए ना तो हालात खराब हो जाएंगे और काबू करने के बस में ही नहीं रहेंगे, क्योंकि काबू आने वाले हम पैदा ही नहीं हुए। जब माँ के गर्भ में एक क्षत्रिय बुरण के रूप में आता है तो डर भय हमारा वही रह जाता है, हम हमारा डर भय वही छोड़ देते हैं तो डरने वाली बात तो हमारे खून में ही पैदा नहीं होती। मैंने एक वीडियो वायरल किया, वायरल तो क्या ही किया, बस वो अपने दिल की बात कही थी कि मैं जब आऊंगी तब अपनी जो छत्राणी बहने हैं और जो सोचती हैं कि हम अकेली रह गई हैं, मैं उनको सिर्फ यही कहने जाऊंगी कि बहनों चिंता मत करना, मैं साथ हूं। खाली इतनी सी बात पे सरकार ने पता ही नहीं क्या ही माहौल बनाया और हमारे को वहीं पे नजरबंद कर लिया, क्योंकि हम तो 4 बंदे आए थे, मेरी गाड़ी में 4 बंदे थे हम, लेकिन जो हमारी संख्या थी, बताती हूँ मैं आपको, ये लोग सोच रहे हैं कि इन्होंने हमारे को रोक दिया, लेकिन जो हमारी संख्या थी ना, हम अगर यहाँ से निकले तो हमारी संख्या उधर से निकली। तो ये बंदे आज भी गलत फहमी में रह रहे हैं कि कर्णी सेना को रोकना आपके बस में है, क्योंकि ये तो कीड़ी नगरा है। आप जानते हो ना कीड़ी नगरा क्या होता है, जानते हैं ना कीड़ी नगरा है, कीड़ी नगरा किसी के बस में नहीं आता, वो कहां से कहां फैलेगा ये किसी को समझ में ही नहीं आया। जब वहां पे अपनी कर्णी सेना पहुंच चुकी थी तो इन लोगों को लगा 7 बजे के आसपास पहले कोऑपरेट करते रहे, क्योंकि ये लोग सोचे कि ऐसे ही बिठा के इनको पागल बनाते रहेंगे। लेकिन जब हमने पूछा कि भाई बताओ क्या चाहिए तुम्हारे को, तो बोले मैडम बस आप कोऑपरेट करिए और थोड़ी देर हमारे साथ बैठ जाइए, कोई बात नहीं बैठते हैं। कोऑपरेट करना तो अपन लोगों ने सीखा ही है, अपन कोऑपरेट भी करते हैं और कोऑपरेट से बात ना बने तो आंखें भी दिखाते हैं, पर कल हमने कोई आंखें नहीं दिखाई, हमें जो हमारा काम करना था हमने कर दिया था, क्योंकि 7 बजे से पहले हमने हमारे कर्णी सैनिकों को वहां पे भेज दिया था। पर जब शाम को 6 बजे हमारे को छोड़ा गया और हमारे को पता चला कि क्षत्रियों की संख्या राजकोट में 10
से 15 लाख के आसपास हुई। ये गर्व की बात थी हर क्षत्रिय के लिए, हर समाज के उस युवक के लिए, युवतियों के लिए, जिन्हें लगता है कि हम यहाँ पे सेफ नहीं है या हमारे बारे में बोलने वाला कोई नहीं है। तो मैं उनको एक बात बता देती हूँ कि क्षत्रिय मरा नहीं है, क्षत्रिय जिंदा है। जब भी आप लोगों को लगेगा कि हमारी आन बान शान कमजोर है और कमजोरी में हम पड़ रहे हैं, तो एक आवाज लगाना, या क्षत्रिय और क्षत्राणिया, कोई नहीं देखेगा ये क्षत्रिय या क्षत्राणिया आप लोगों के बीच में मिलेंगे। कल की जो 15 लाख की संख्या थी, जो 15 लाख की संख्या राजकोट में इकट्ठा हुई, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन मैं इस बात के लिए निराश हूं, क्या हमारे क्षत्रियों को इकट्ठा होने का वहां पे कुछ मिला? आप लोग अपने काम धंधे छोड़ करके वहां पे बैठे थे, 15 लाख लोग, 15 हजार की भी अगर बातें करें तो बहुत बड़ी संख्या होती है 15 लाख और 15 हजार। वहां पर कुछ हमारे साथ वाले बैठने वाले भी पहुंचे हुए थे, नाम नहीं लूंगी क्योंकि फेमस करना मेरा भी काम नहीं है उनको, क्योंकि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना भाई, मुझे आम जनता बनना है, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना, आप लोगों के साथ रहना, आप लोगों की बहन बन के रहना है। पर मेरा ये कहना था कि आप लोग गए वहां पे बैठे, आप लोगों ने बड़े बड़े भाषण भी दे दिए, ऐसे करके फोटो भी खिंचा ली जनता के सामने, क्या दिलाया आपने राजकोट में? आपने क्या दिलाया? क्या उस रूपाला की टिकट कटवा पाए? क्या उस रूपाला की नाक रगड़वा पाए? सरकार उस टाइम पे आप लोगों के घुटनों के बल आपके पीछे चल के आती अगर आप लोग मजबूती से अपना पक्ष रखते। नेतृत्व बड़ा होता है, संख्या बड़ी नहीं होती। अगर नेतृत्व करने वाला आपके बीच में मजबूत है तो आपको संख्या 5 अगर पीछे खड़े ना तो बहुत है। लोग कहते हैं हम साथ हैं, हम संगठित हैं, हम एक हैं। अगर संगठित थे तो उन बहन बेटियों के बारे में गलत बोलने वाला बंदा ऐसे कैसे चला गया भाई? तुम उठ के कैसे चले आए वहां से? आपका आने का तात्पर्य मुझे समझ में नहीं आया। क्या उन लोगों ने आपसे माफी मांगी? क्या आपने टिकट कटवाने के लिए उनको मजबूर किया? कुछ नहीं किया। तालियां बजवाई, मौन धारण करके वहां से चले आए। सरकार को हमारे पीछे पुलिस क्यों लगानी पड़ी, प्रशासन क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि मैंने चेताया था अगर मैं वहां पहुंच गई तो मैं रूपाला को नाक भी रगड़वाऊंगी और टिकट भी रिप्लेसमेंट करवाऊंगी। मगर जो भी है अच्छे के लिए होता है, आप लोग निराश ना हो। जब जब इस क्षत्रिय समाज को हमारी जरूरत पड़ेगी, जब जब लगेगा कि हाँ हमें खड़ा होना है, तो ये बहन आपके बीच मिलेगी, आप टेंशन मत लीजिए। आपके दादा हमेशा ये बात कहते थे कि जो ये क्षत्रिय समाज को दबाने का काम करते हैं ना लोग, हमारे क्षत्रिय समाज को दबाने का और कुचलने का जो काम करते हैं ना लोग, तो बताए देती हूँ, आपके दादा कहते थे हमारा क्षत्रिय समाज एक स्प्रिंग की तरह है, इसको दबाओगे ना ये नीचे जाएगा, लेकिन दबाने के बाद इसको छोड़ोगे ना ऊपर जाएगा। फिर बात आती है क्षत्रियों के मान सम्मान और स्वाभिमान की, तो क्षत्रियों ने मान स्वाभिमान और बहन बेटी की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए, पंडितों की रक्षा के लिए,
कितनी गर्द ने काटी थी और कितनी आज भी काटने में सक्षम है अगर हमारे आन बान शान पे बात आएगी तो। और वो बात आज एक रूपाला करके अड़क बीज साधारण भाषा समझते हैं, अड़क बीज नहीं समझते, मैं बताती हूँ। जब आप दाल बनाते हो ना, घर में पूछना है आप दाल का दाना है ना, वो अड़क रह जाता है, पकता नहीं है, रहता है ना, तो वो पुरुषोत्तम रूपाला वही है, वो अपने समाज का भी नहीं है बंदा, वो किसी और ही समाज का है, वो कोई धरती से है या आकाश से है, राम जाने क्या है। आज सबक सिखाने का टाइम है, गर्दने कटाने का टाइम नहीं है, गर्दने जो सर है ना गिनाने का टाइम है। आप संगठित रहोगे, एक रहोगे, अपनी ताकत दिखाओगे, हर कोई आपके चरणों में आकर के कहेगा क्षत्रियो भाइयों पाए लगो आपके। लेकिन अगर बिखर गए, अलग अलग हो गए, डिपार्टमेंट अलग अलग चेंज हो गए, तो गीदड़ भी सताने के लिए आ जाएंगे, विशेष रूप से अगर रूप दिया जाए तो रूपाला। तो रूपाला को 11 तो उसने गाल दी है अपने अपनी बहन बेटियों को गाली देके, गाल दी है ना, 21 गाल दो, 11 का 21 नोता गाल दो उसके। वो जब जोड़ी लेके आए ना आपके पास में कि भैया वोट दो, तो आपको क्या ही देना है, जूते दो। अब उस बंदे ने हमारे, हम जो छतराणियां जो उस भुंडी शक्ल वाले को, एक आम भाषा में कहते हैं उसको, समझा देना उस भुंडी शक्ल वाले को कि जो तुझे पैदा करने वाली है ना वो भी एक छतराणी ही है, तो तू शर्म कर। तू तेरी माँ के बारे में बोल रहा है, तू तेरी बहन के बारे में बोल रहा है, क्योंकि माँ बहन किसी की अलग नहीं होती। बेटी अगर जाट की है तो वो भी बेटी है, बेटी अगर राजपूत की है तो वो भी बेटी है, बेटी अगर ब्राह्मण की है तो वो भी बेटी है, बेटी बेटी होती है, बेटी की कोई जात नहीं है, वो हर समाज की बेटी हमारी बेटी है, हमारी बहन है। लेकिन ऐसे करते रहे ना, ऐसे करते रहे तो इनको पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए भी मत खड़े होने देना। आज आपकी शक्ति अगर आप दिखाओगे तो कल तो पूजे जाओगे, और अगर अगर बीजेपी का फूल देखिए ऐसे झील मिला गई ना ऐसे, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आज देखा जाए तो हम रूपाला को ब्लेम नहीं कर रहे, जो सरकार ने एक रूपाला को खड़ा किया ना रावण बना करके, एक टिकट दे करके हमारे बीच में, कि उसको बदल क्यों नहीं रहे ये लोग, इसको बदलने में कहां दिक्कत आ रही है, क्या राजनीति है ये, क्या बहन बेटियों को गाड़ी निकलवाने से वोट बढ़ते हैं, क्या ये लोग यही सोच रहे हैं क्या बीजेपी वाले कि हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा, तो ग्राफ जो ऊपर था ना वो नीचे आएगा। अगर बहन बेटियों को टारगेट करोगे ना तो आपका जो ग्राफ ऊपर था ना वो नीचे आएगा। कभी किसी की पगड़ी को पैरों में डाला जाता है, कभी किसी को टोपी को नीचे गिराया जाता है, छत्रियों को मारने का काम कर रही है, जबकि बीजेपी सरकार, जो बीजेपी की सरकार है ना, इसका जो बीज था ना बीजेपी का, वो बोने वाला एक क्षत्रिय है, राजपूत समाज, जिसने बीजेपी की नींव लगाई थी ना वो एक राजपूत समाज है। और जब बीज से पौधा बना, पानी डाल के इसकी सिंचाई करके पौधा बनाया ना, तो वो क्षत्रिय समाज है। लेकिन आज जब वो पौधा पेड़ बन गया, और पेड़ बनने के बाद में जब उस पे फल आए हैं, फल जब हमारा खाने का टाइम आया था ना क्षत्रियों का, उस टाइम पे हमसे वो फल छीन लिए गए, वो फल किसी और को दे दिए गए,
छोटी छोटी बातों को मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि भाइयों समझो, भाइयों जानो, कूटनीति को अगर नहीं समझ पाओगे तो आपको कोई नहीं समझेगा। एक बार सरकार चेंज होती है, एक मटर पक्का होता है, एक मटर पक्का होता है। सुखदेव सिंह गोगामेडी का मटर हुआ था। मेरी जो बातें हैं ना उनको दिमाग से और गहराई से सोचोगे मैं क्या कह रही हूं आप लोगों को। खुद की ताकत रखो, सरकारें आती जाती रहेंगी, 5 साल में सरकार चेंज होती है, लेकिन हमें 60 साल का जीना यही है। भाईचारा बना करके रखो, लेकिन सरकारों के साथ नहीं, जो आपके पास बैठते हैं उन लोगों से। सरकार आपको नेगलेक्ट कर सकती है, लेकिन पास में बैठे भाई नेगलेक्ट नहीं करेंगे। आप लोगों को संगठित रहके ये दिखाना है, रूपाला का जो अभी सर्वनाश करना है ना, आप लोगों को मिलकर के ही करना है। क्योंकि हमने बीजेपी की खिलाफत नहीं करी, हम लोगों ने कहीं भी बीजेपी की खिलाफत नहीं करी, लेकिन अगर यही रवैया रहा और हम राजपूतों को, हम क्षत्रियों को, हर समाज के उन लोगों को अगर प्रताड़ित करते रहे या हमारी बहन बेटियों को गलत अनगलत बातें करते रहे, तो हम आपको गिराए भी गए और आपको सिखाए भी गए कि क्षत्रिय क्या होते हैं। जय माता जी, खमागणी, धन्यवाद।